कुंभकेश्वर महादेव के अद्भुत 5 उपाय। पहला उपाय, अगर किसी व्यक्ति को दवा खाने का असर नहीं हो रहा है और वो व्यक्ति अपनी दवा खाने से पहले एक बार कुंभकेश्वर महादेव का स्मरण करके बाबा से विनती करे कि हे बाबा, ये दवा मेरे शरीर को लगने लगे, इसके बाद दवा खाए, ऐसा करने से दवा अपना असर करना शुरू कर देती है। दूसरा उपाय, किसी भी रोग बीमारी की जांच कराने जाना हो या ऑपरेशन के लिए जाना हो, या मान ले कि मन में किसी बड़ी बीमारी होने का डर लगा रहे, तो कुंभकेश्वर महादेव के नाम का स्मरण करना चाहिए। इससे होता है कि जांच की रिपोर्ट नॉर्मल आती है, ऑपरेशन की भी जरूरत नहीं होती और जिंदगी में भी कभी कोई भारी रोग नहीं होता। कुंभकेश्वर महादेव बीमारी और रोग मुक्ति के देवता हैं, काल को भी हर लेने वाले हैं। मन शांत हो तो भी कुंभकेश्वर महादेव का नाम स्मरण करते रहना चाहिए। तीसरा उपाय, अगर कोई व्यक्ति रोग से ग्रसित हो और वो रोग उसका पीछा ही नहीं छोड़ रहा हो, तो एक लोटा जल और एक बेलपत्र शंकर भगवान के मंदिर लेकर जाए, कुंभकेश्वर महादेव के नाम से बेलपत्र शिवलिंग पर समर्पित करे और पत्ती का की डंडी का मुख अशोक सुंदरी वाली जगह होना चाहिए। इसके बाद एक लोटा जल धीरे धीरे से उस बेलपत्ती पर समर्पित करे, अपने मन की कामना करते हुए जहाँ से जल नीचे गिरता है वहाँ से थोड़ा सा जल एक पात्र में उठा कर ले आए और उस जल का आचमन करे। इस उपाय से रोग धीरे धीरे करके हमेशा के लिए समाप्त होने लगता है। चौथा उपाय, अगर किसी व्यक्ति के पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है हो, तो कुंभकेश्वर महादेव के इस सरल से उपाय से दर्द में तुरंत आराम मिल जाता है। आपके रसोई घर में जहाँ भी पानी का स्थान हो, जहाँ भी पानी का मटका बाल्टी रखा हो या जल स्रोत हो, वहाँ खड़े हो कर एक कटोरी या एक गिलास में थोड़ा सा जल लेकर कुंभकेश्वर महादेव का स्मरण करना है, कम से कम 7 बार। फिर भोले बाबा का स्मरण करके जल को उस व्यक्ति को पिला देना है जिसके पेट में दर्द हो रहा है। 10 से 15 मिनट में दर्द में आराम लगना शुरू हो जाता है। पांचवा उपाय, कोई व्यक्ति जो किडनी, लीवर, कैंसर, सोरायसिस, त्वचा रोग या कोई अन्य बड़ी बीमारी से पीड़ित है, अगर वो रोजाना शंकर भगवान के शिवलिंग पर एक लोटा जल कुंभकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करे, जलाधारी से गिरते हुए जल का आचमन भी कुंभकेश्वर महादेव के नाम से करने लगे, तो धीरे धीरे उसके शरीर के सब रोग समाप्त होने लगते हैं। किडनी डायलिसिस भी इस उपाय से बंद हो जाती हैं। हर हर महादेव। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।